ट्रेंडिंग में अगर ला देते हैं तो लोग, तो गलती से आता है। अरे गलती में आ जाता है तो, लेकिन मसाला चाहिए ना जी, हम लोग मीडिया वाले क्या करेंगे, मसाला नहीं दीजिए कैसे कर चलेगा। मान लीजिए गलती से आ गया ट्रेंडिंग में, तब क्या कहेंगे, अब वो केले के कपारे पे दौड़ी कि दूसरा गाना बनाई। गलती पे आया है वो तो जाने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि कोई अमृत पी के आया है कि वो रहेगा। बिल्कुल सही बात। करने में मजा आता है तो कभी कभी सजा भी हो जाता है विवाद में, और वो सजा इतनी नासूर हो जाती है कि फिर उसको सही करने में दिक्कत हो जाता है। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं। कैमरामैन इधर जूम कीजिए, ये है देसी स्टार समर सिंह, और भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत नीजू भैया आपका, और वाह, महादेव से सीधा दर्शन प्राप्त करके आप यहाँ आए और सेट पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। आपका स्वागत है, और हमेशा से आप हमारे प्रिय रहे हैं दिल में, और ऐसे ही जितना प्यार आप लोग हमको देते हैं नीजू भैया को भी देते रहिए। थैंक यू भैया, लेकिन थोड़ा सवाल कड़वे ही पूछूंगा। थोड़ा सोच रहा हूँ कि आग में घी या फिर मिर्च मसाला लगाया जाए, तो एक विवाद है, एक कंट्रोवर्सी है, टारगेट है, पवन सिंह सोहर गा रहे हैं, एक आदमी बूढ़ा कह रहे हैं, कौन सोहर गा रहा है कौन बूढ़ा है ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इसमें अपनी राय रखेंगे? हमारी राय क्या लेके करेंगे, वो लोग खुद ही आपस में राय ले रहे हैं दे रहे हैं, और किसको कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसमें नहीं जाना है। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं उस पे फोकस करना है, और आप बोल के क्या फायदा, बोला उसको जाता है जो समझदार होता है। आए दिन आप कुछ न कुछ देख ही रहे हैं, फलाने उनको बोल दिए, दिखाने उनको बोल दिए, तो कोई कभी पैर ठोक देगा, तो कोई ये कर देगा, तो कोई वो कर देगा, तो ये सब से काम नहीं चलने वाला है। और जो धरती पे आया है वो तो जाने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि कोई अमृत पी के आया है कि वो रहेगा। बिल्कुल सही बात। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी भी टाइम है, मिलजुल के एक होके काम करिए। विवाद करने में बड़ा मजा आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि जानबूझ के टारगेट करो और बने रहो, कुछ ऐसा है क्या, आप कैसे कहोगे इसको? देखिए, विवाद करने में मजा आता है तो कभी कभी सजा भी हो जाता है विवाद में, और वो सजा इतनी नासूर हो जाती है कि फिर उसको सही करने में दिक्कत हो जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि नहीं, ये सब गलत है, और सब लोग एक होके काम करें, भोजपुरी आगे बढ़ेगी, आप भी बढ़ेंगे। ये नहीं कि आपने भोजपुरी को पैदा किया, भोजपुरी ने आपको पैदा किया है। सही बात है। तो आप ऐसा काम करिए कि आने वाली जो पीढ़ी है, नए नए कलाकार हैं, गायक हैं, गायिका, एक्टर, एक्ट्रेस, सबका सपोर्ट करिए, सबका सहयोग करिए, सबको मिलजुल के एक साथ ले के चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने भोजपुरी को बड़ा किया है, बहुत सारे सवाल धो रहे हैं कि भाई मैंने इंडस्ट्री को बड़ा किया, मैंने बड़ा किया, तो समर सिंह ने क्या किया उस इंडस्ट्री में, क्या किया? ना, समर सिंह बहुत छोटी चीज़ है, और समर सिंह कोई भोजपुरी को बड़ा करने वाला नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर सकें, हमने जो पाया है वो भोजपुरी से पाया जी, ना कि हमने भोजपुरी को दिया है। तो हम चाहेंगे कि हमेशा भोजपुरी की सेवा करते रहें, और ऐसे ही अपने लोगों का प्यार पाते रहें। और जो लोग कहते हैं कि हमने भोजपुरी को बढ़ाया, भोजपुरी को बढ़ाया, तो वो ये याद रख लें कि नहीं, भोजपुरी ने उनको सब कुछ दिया है जी। भैया, अब सवाल थोड़े घुमा देता हूँ, आपका एक गाना आता है, लेकिन आप ट्रेंडिंग में हमेशा आता है, लेकिन आप हल्ला नहीं करते हैं, आप बताते नहीं हैं, वो तो हम लोग को पता होता है, तो हम लोग चीज कर रहे हैं। आपकी टीम की तरफ से नहीं कहा जाता है कि भाई मेरा गाना ट्रेंडिंग में आ गया, मेरा गाना ये बज गया, ये मीडिया को आप मसाला नहीं देते हो, कैसा क्यों है? नहीं, देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक काम करते हैं, और ट्रेंडिंग में अगर ला देते हैं तो लोग, तो गलती से आता है। गलती में आ जाता है तो, लेकिन मसाला चाहिए ना जी, हम लोग मीडिया वाले क्या करेंगे, मसाला नहीं दीजिए कैसे कर चलेगा। मान लीजिए गलती से आ गया ट्रेंडिंग में, तब क्या कहेंगे, अब वो केले के कपारे पे दौड़ी कि दूसरा गाना बनाई, कहो भैया 2-5 मिलियन और जाए, लोग सुने और पसंद करें। अब ट्रेंडिंग में आ गए, ट्रेंडिंग में आ गए तो कपड़ा आप लिखवा लें कि नहीं ट्रेंडिंग में आ गए, नहीं लोग तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो लोग कर रहे हैं, अब लोग जैसा कर रहे हैं वैसा हम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ लोग समझाने बुझाने वाले हैं कि नहीं बेटा, ये काम करोगे तो गलत होगा, ये काम करोगे तो सही होगा। सही बात। भकर भकर
हर बात में बोल देना लाई बाजाना, वो सब हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि नहीं बेटा, तुम काम करने गए हो तो काम करो, और ये सब फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना। वो लोग खुद ही इतना सक्षम है कि अगर हमको आप कुछ बोलोगे तो वो वहाँ तक बोल देंगे जहाँ तक कई पुश्त नहीं बोल पाएगा। तो बस हमको काम करने के लिए लोग भेजे तो हम काम कर रहे हैं। लेकिन फाइटर किंग अपडेट कुछ पता नहीं चल रहा है, शूटिंग बहुत पहले हुआ था, वेट कर रहे हैं हम और आप दर्शक। सिंधे काम बचा हुआ था तो अभी सब फाइनल हो गया है, 2-3 दिन में 4 दिन में आपको डेट दिया जाएगा जी। आप सब लोगों का भरपूर स्वागत होगा, और ट्रेलर लॉन्चिंग बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग करेंगे। समर फिल्म इंटरटेनमेंट से वो फिल्म रिलीज हो रही है तो उसका ट्रेलर आ रहा है अभी, एकदम सब कुछ लैस हो चुका है, बस फायरिंग करना है। कौन सा? दुनाली से की जगह के स्ट्रेंजगंज से फायरिंग का मतलब कि वो फाइटर किंग आएगी, उसका ट्रेलर आएगा, और बस प्यार मोहब्बत आशीर्वाद देना आपका काम है। तो जाते जाते फैंस से क्या कहिएगा, लेकिन देसी स्टाइल में थोड़ा होना चाहिए, गाने को मिक्स करते देसी स्टाइल का जवाब गाने के स्टाइल में आपका। अभी इस बार हम लोग होली का गाना कर रहे हैं, इस बार भी हम लोग देसी गाना बना रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हमारे आशीष सत्यार्थी भैया हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं लगन से। एक बार कैमरा घुमाइए ना उनकी तरफ, देखिए ये है हमारे आशीष भैया और पूरा सेटअप लगा हुआ है जी। तो एक बार पिछली बार हम लोगों ने गाना बनाया था, बहुत गाना हिट हुआ था। हर की अला बम्बई से होली में कमाई के बलाम, वो उसी टाइप से इस बार भी हम लोगों ने बहुत सारे गाना बनाए हैं, और हमको लगता है कि इस बार भी हम लोगों के गाने बहुत अलग होने वाले हैं, क्योंकि ये लाइट वाले भैया हैं, ये गाना सुन रहे थे, जनरेटर वाले हैं, ये गाना सुन के अलग से नाच रहे थे, तो हमको लगा कि हो सकता है ये गाना कुछ करने वाला है। गुरही जलेबी हमेशा कंटिन्यू अपडेट है, इस बार अपडेट होगा कि नहीं? गुरही जलेबी आएगा, अभी तो गुरही जलेबी मेला थोड़ी है, अभी ये होली वाला मेला है तो इसको कर लेते हैं, फिर गुरही जलेबी क्या, हम हर जलेबी लेके आएंगे। थैंक यू भैया, हमसे अगली बार आपको पनीर वाली जलेबी खिलाएंगे। थैंक यू भैया, हमसे बात करने। थैंक यू थैंक यू।